जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म बॉर्डरलैंड के बारे में। दोस्तों, यह फिल्म रियल लाइफ ड्रग लॉर्ड अडोल्फो कॉन्स्टांजो की लाइफ पे आधारित है। अडोल्फो एक कल्ट का लीडर था और वो लोगों की बलि भी चढ़ाता था, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो पुलिस वाले यूलिसिस और उसका साथी दिखाए जाते हैं, जो मेक्सिको के एक ड्रग लॉर्ड सेंटालियन के घर चुपके से घुस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी जानवर की लाश होती है। ये देख के वो दोनों अलग होके घर की छानबीन करते हैं। यूलिसिस के साथी को फायर एरिया में इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसे देख के वो डर जाता है। इधर यूलिसिस एक कमरे में पहुंचता है जहां वो कुछ रिलीजियस सिंबल्स और मीट देखता है, जैसे वहां पे कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। वो ये बात अपने साथी को बताने के लिए जाता है तो देखता है कि दो लोगों ने उसे पकड़ रखा है। दोस्तों, ये दो लोग होते हैं गुस्तावो और जालियो, और ये उस ड्रग लॉर्ड के लिए काम करते हैं। ये टकला गुस्तावियो उसके पास आता है और उसकी गन छीन लेता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब यूलिसिस की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो दोनों उसके साथी को टॉर्चर कर रहे हैं। जालियो उसका एक हाथ काट देता है और गुस्तावो उसकी आंखें निकाल के पानी में डाल देता है। यूलिसिस उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है तो गुस्तावो उसे बताता है कि उसके मालिक को पुलिस वाले की आंखें चाहिए रिचुअल करने के लिए। उसके बाद गुस्तावो जालियो को पुलिस वाले का गला काटने को कहता है तो जालियो उसका गला चाकू से काट देता है। गुस्तावो यूलिसिस को जबरदस्ती ये दिखाता है और उसकी जान बख्श देता है, ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाके बता सके कि अगर कोई सेंटालियन से उलझेगा तो उसका भी यही हाल होगा। फिर कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है, जहां तीन दोस्त एड, फिल और हेनरी टेक्सास के एक बीच पे इंजॉय कर रहे होते हैं। फिल उन दोनों को कहता है कि क्यों ना वो छुट्टी मनाने के लिए मेक्सिको जाएं, जहां वो स्ट्रिप क्लब में इंजॉय कर सकेंगे। एड राजी नहीं होता है, लेकिन वो दोनों उसे मना लेते हैं और वो सब मेक्सिको जाते हैं। वो एक स्ट्रिप क्लब में जाते हैं जहाँ एड एक बारटेंडर को देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उससे बात करने जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसे छेड़ रहा है। वो उस आदमी को रोकता है तो वो आदमी चाकू निकाल के उसके पेट पे वार कर देता है। तभी वो बारटेंडर उस आदमी के सर पे एक रॉड मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो एड का ट्रीटमेंट करती है और उसे बताती है कि उसका नाम वेलेरिया है, और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर फिल हेनरी के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को तैयार करता है ताकि वो उसके साथ एंजॉय कर सके। लेकिन जब हेनरी उस प्रोस्टिट्यूट के साथ उसके रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी एक बच्ची भी है, और ये देख के उसे उस प्रोस्टिट्यूट से हमदर्दी हो जाती है। अगले दिन एड फिल और हेनरी को बताता है कि उसने वेलेरिया को भी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है। तभी वेलेरिया वहां आती है, जो अपनी कजन लूपे को भी साथ लाई होती है। वो सब रात को कार्निवल में जाते हैं और वहां खूब इंजॉय करते हैं। हेनरी जब वॉशरूम गया होता है तो वहां उसका सामना गुस्तावो से होता है, जो उसे घूर रहा होता है। हेनरी को उसकी तबीयत खराब लग रही होती है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो अकेले ही होटल में जा रहा है, तो एड और फिल उसे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद एड और वेलेरिया अकेली जगह पे जाते हैं जहां वो एंजॉय करते हैं। इधर हेनरी जब रास्ते में होता है तो एक लड़का उसे मिलता है जो अपनी सिगरेट के लिए लाइट मांगता है। हेनरी उसकी सिगरेट जला देता है, और तभी वो लड़का अपने साथियों को इशारा करता है, जिससे वो गाड़ी लेके वहां आते हैं और हेनरी को किडनैप कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि गाड़ी में गुस्तावो भी है, यानी वो आदमी सेंटालियन के थे जिन्होंने हेनरी को किडनैप किया था। अगली सुबह जब हेनरी वापस नहीं आता तो एड और फिल परेशान हो जाते हैं, और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो एक पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं यूलिसिस भी आया होता है, जो सेंटालियन के खिलाफ कुछ सबूत लाया होता है पुलिस को दिखाने के लिए। लेकिन पुलिस वाले उसे पागल समझते हैं और वहां से भगा देते हैं। जब वो बाहर जा रहा होता है तो वो एड और फिल की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उनका दोस्त गायब हो गया है, और उसे ये बात पता होती है कि जरूर सेंटालियन ने उसे किडनैप किया होगा। पुलिस वाले एड और फिल की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि हेनरी को खोए हुए अभी 72 घंटे नहीं हुए होते हैं। यूलिसिस अपने घर चला जाता है, जहां वो नींद की गोलियां लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने साथी की मौत से वो सदमे में है और पुलिस से भी निकाला गया है। वो अब सबूत इकट्ठे कर रहा है सेंटालियन के खिलाफ, ताकि वो उसे पकड़वा सके। कुछ देर बाद एड वेलेरिया के घर जाता है, जहां वो कुछ अफ्रीकन्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखता है। वो वेलेरिया से इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि सालों से यहां पे लोग गायब हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर सेंटालियन के आदमियों ने हेनरी को कहीं बांध के रखा होता है। तभी वहां पे रैंडल नाम का आदमी आता है, जो उसे बताता है कि वो बहुत जल्द मालिक से मिलने वाला है,
जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 4 लड़कियों को मारा है और वो अमेरिका से भाग के यहाँ पे आया है। ये सुन के हेनरी उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। ये सुन के रैंडल उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, ये दुनिया आत्माओं से भरी हुई है जिसके बारे में मालिक ने उसे बताया। उसके मालिक ने उसे राह दिखाई आत्माओं से कनेक्ट होने के लिए। वो उसे ये भी बताता है कि वो पालो मायोम्बे के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, पालो मायोम्बे क्यूबा का एक ट्रेडिशन है जिसे अफ्रीकन स्लेव्स अमेरिका लाए थे। इसके रिचुअल में कल्ट के मेंबर्स एक कंटेनर लेते हैं जिसको गांगा कहते हैं और उसके अंदर लकड़ियां, पत्थर और इंसानों की हड्डियां रखी जाती हैं और एक एनिमल सैक्रिफाइस के साथ वो रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। उनका मानना होता है कि ये करने से वो स्पिरिट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और उनके काम में उन्नति होती है। यानी दोस्तों, सेंटालियन ये रिचुअल परफॉर्म कर रहा था ताकि उसके ड्रग डीलिंग बिजनेस में उन्नति हो। इधर एड और फिल परेशान होते हैं और वो हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फिल नोटिस करता है कि कुछ लोग उन पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो वो उनकी गाड़ी के पास जाता है और उन्हें गाली देता है। वो उनकी गाड़ी के पीछे हेनरी का सामान देखता है जिससे उसे पता चलता है कि हेनरी उनके पास है। इधर हेनरी रैंडल को कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो रैंडल उसके पैर की रस्सी खोल देता है। तभी वो रैंडल को मार के बाहर भागता है और एक जगह जाके छुप जाता है। वो देखता है कि उस जगह कई लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिसे देख के वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी रैंडल का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और वापस ले आता है। ये घटना यूलिसिस चुपके से देख रहा होता है, जो वहां सबूत इकट्ठा करने आया होता है। तभी वो देखता है कि सेंटालियन वहां आया हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो उस लड़के की बलि चढ़ाने वाला है। इधर वेलेरिया की कजन लूपे एड और फिल को बताती है कि एक हफ्ते पहले कुछ लोग उसके स्टोर में आए थे जिनकी बातें उसने सुनी थी। वो सेंटालियन के आदमी थे और उनको एक फॉरेनर की तलाश थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि सेंटालियन एक ड्रग लॉर्ड है जो एक वूडू कल्ट भी चलाता है और शायद उसी ने उनके दोस्त को किडनैप किया होगा। तभी वो सब देखते हैं कि सेंटालियन के आदमी उन पर नजर गड़ाए हुए हैं, तो फिल एक रॉड लेके उनके पास जाता है और उनकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देता है। तभी टकला गुस्तावो बाहर निकलता है और फिल को शूट कर देता है। तभी एड पुलिस की गाड़ी देखता है और उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस वाले गुस्तावो को देख के वहां से भाग जाते हैं और गुस्तावो भी वहां से चला जाता है। एड और वेलेरिया फिल को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां फिल वापस घर जाने की बात कर रहा होता है। तभी वहां यूलिसिस आता है और उन्हें सब बताता है। इधर सेंटालियन हेनरी से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ साल पहले वो मेक्सिकन्स में रिचुअल परफॉर्म किया करता था, लेकिन पिछली बार उसे रिचुअल के लिए एक ऐसा मेक्सिकन मिला जो बहुत ढीठ था। उसने रिचुअल में कोऑपरेट नहीं किया, जिससे मैजिक बेकार हो गया और भगवान नाराज हो गए। तब से उसने फैसला किया कि वो अब से अमेरिकन्स पे रिचुअल करेगा जो काफी नरम होते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। उसके बाद सेंटालियन की साथी हेनरी के बाल काट के रख लेती है और उसे रिचुअल के लिए तैयार किया जाता है। इधर यूलिसिस उनको बताता है कि उसने आज दोपहर सेंटालियन को देखा था, यानी आज रात ही वो उनके दोस्त की बलि चढ़ाने वाला है। वो उन्हें अमेरिकन पुलिस के पास उसके एविडेंस ले जाने को कहता है ताकि वो सेंटालियन को पकड़ सके, क्योंकि मैक्सिकन पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ेगी। उसके बाद एड और फिल डिसाइड करते हैं कि फिल अमेरिका जाएगा और एड यूलिसिस के साथ हेनरी को बचाने के लिए जाएगा। इधर लूपे जब अपने रूम में आती है तो वो अपने बेड पे बकरे का कटा हुआ सर देखती है, जिसे देख के वो डर जाती है और तभी जायको उस पर अटैक कर देता है। एड जब वेलेरिया को उसे घर छोड़ने जाता है तो वो दोनों लूपे की डेड बॉडी देखते हैं, जिसका सर कटा हुआ होता है और उसके सर की जगह बकरे का सर लगा होता है। वो दोनों ये देख के डर जाते हैं और वापस होटल में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर होटल में फिल अकेला होता है और तभी लाइट चली जाती है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि सेंटालियन के आदमी तलवार लेके उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देख के वो भागने लगता है, लेकिन वो सब उसे पकड़ लेते हैं और तलवार से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। एंड दोस्तों, बिलीव मी, ये सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जब एड और वेलेरिया वहां पहुंचते हैं तो एड फिल की डेड बॉडी देख के बहुत रोता है। तभी यूलिसिस वहां आता है, जो उन्हें उसके साथ चलने को कहता है। इधर हेनरी को सेंटालियन के सामने पेश किया जाता है और वो उसे एक सेटैनिक सर्कल के बीच में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो एक चाकू उठाता है और हेनरी की एड़ी काट देता है, जिससे वो बहुत चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के सेंटालियन को सुकून मिलता है। तभी हेनरी प्रेयर करने लगता है और जीसस का नाम लेता है। ये सुन के सेंटालियन उसकी जीभ काट खाता है और अपनी प्रेयर पढ़ने लगता है। उसके बाद हेनरी को उल्टा लटका दिया जाता है और उसकी बलि चढ़ाई जाती है। दोस्तों, सेंटालियन इंसानों की बलि इसीलिए चढ़ा रहा होता है क्योंकि उसका मानना होता है कि ये करने से स्पिरिट्स खुश होंगी और उसके ड्रग्स पकड़े नहीं जाएंगे। ये रिचुअल खत्म होने के बाद सेंटालियन नहाने चला जाता है। तभी एड, यूलिसिस और वैलरी उस जगह पहुंचते हैं और हेनरी को ढूंढने लगते हैं। तभी एड देखता है कि टकला गुस्तावो हेनरी का कटा हुआ सर लेके आया हुआ है और वो ये देख के बहुत रोता है। इधर यूलिसिस गन लेके सेंटालियन के पास पहुंचता है
और उस पर पॉइंट कर देता है। तभी एक लड़की यूलिसिस पे हमला कर देती है, जिसका फायदा उठा के सेंटालियन ड्रॉर से एक गन निकालता है और यूलिसिस को शूट कर देता है। तभी यूलिसिस भी गोली चलाता है जिससे सेंटालियन मारा जाता है। उसके बाद वो जख्मी हालत में एड और वेलेरिया के पास जाता है और वो सब एक कार लेके वहां से भागने लगते हैं। यूलिसिस एड से कहता है कि वो उसकी कहानी दुनिया को जरूर बताए कि उसने क्रिमिनल को मारा है। वो सब एक वृद्ध आदमी के घर पनाह लेते हैं और यूलिसिस वहां मर जाता है। तभी सेंटालियन के आदमी वहां आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। एड और वेलेरिया एक एक करके उन सबको मार गिराते हैं, जिससे सेंटालियन की पूरी गैंग मर जाती है। उसके बाद लिखा हुआ आता है कि मेक्सिकन अथॉरिटी को सेंटालियन के घर में 4 किलो कोकेन मिली थी और कई सारे इंसान के बाल भी मिले थे जिनकी बलि उसने चढ़ाई थी। पुलिस को करीब 50 डेड बॉडीज उसकी रैंच प्रॉपर्टीज में मिली, जिनके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड गायब थे, और कल्ट के मेंबर आज भी जिंदा हैं और ये केस अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। अब आइए बात करते हैं रियल लाइफ कल्ट लीडर अडोल्फो के बारे में। दोस्तों, अडोल्फो कॉन्स्टांजो का जन्म नवंबर 2, 1962 मियामी में हुआ था। उसकी माँ क्यूबा से बिलोंग करती थी और कुछ लोग उसे विच भी कहा करते थे, क्योंकि जब भी उसकी माँ की किसी से लड़ाई होती थी तो अगले दिन उस पड़ोसी के घर के आगे बकरे का कटा हुआ सर मिलता था। एडोल्फो के पिता की मौत के बाद वो दोनों पुएर्तो रिका में शिफ्ट हो गए, जहाँ उसकी माँ ने एक दूसरी शादी की। एडोल्फो वहाँ चर्च में ऑल्टर बॉय था और उसकी माँ उसे वोडू भी सिखाया करती थी। अचानक उसके स्टेप डैड की भी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद वो दोनों वापस मियामी चले गए। जब एडोल्फो टीनेजर था तो उसने पालो मायोम्बे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। दोस्तों, पालो मायोम्बे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये एक ब्लैक मैजिक है जिसे अफ्रीकन्स परफॉर्म करते हैं और जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। एडोल्फो की माँ ने एक और शादी की और उसका पति एक ड्रग डीलर था और एडोल्फो भी उसके साथ काम करने लगा था। जब एडोल्फो बड़ा हुआ तो वो मेक्सिको शिफ्ट हो गया और उसने अपने फॉलोअर्स बनाए। वो वहाँ एनिमल्स का सेक्रीफाइस करता था, जैसे मुर्गे, बकरे, सांप, ज़ेब्रा और शेर के बच्चों का। दोस्तों, क्रिमिनल पॉलिटिशियन और पुलिस वाले उसके क्लाइंट बने, जो उसके रिचुअल में विश्वास किया करते थे और उनका मानना था कि वो करने से उनकी उन्नति हो रही है। दोस्तों, एडोल्फो ये मानने लगा था कि जितनी बड़ी बलि वो चढ़ाएगा उतनी उसकी बिजनेस में ज्यादा उन्नति होगी, इसीलिए उसने इंसानों की बलि चढ़ाना शुरू किया। उसने करीब 20 लोगों की बलि चढ़ाई थी, जिनकी बॉडीज मेक्सिकन सिटी में पाई गई थी। उसने एक अमेरिकन स्टूडेंट मार्क किलरे को किडनैप किया, जो वेकेशन बनाने के लिए मेक्सिको आया था। उसको पकड़ने के बाद उसने उसकी बलि चढ़ाई, ठीक वैसे ही जैसा फिल्म में दिखाया गया है। एडोल्फो ने मार्क का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड निकाल लिया था और उसकी बॉडी को उबाल कर उसने रैंच में गाड़ दिया, जहां उसने 14 और लोगों की बॉडी गाड़ रखी थी जिनकी बलि उसने चढ़ाई थी। एडोल्फो ने अपने फॉलोअर्स को भी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने के लिए मोटिवेट किया, ताकि उनकी भी उन्नति हो सके। मार्क के केस के बाद पुलिस स्ट्रिक्ट हो गई और एडोल्फो को ढूंढने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद एडोल्फो उन्हें एक अपार्टमेंट में मिला अपने फॉलोअर्स के साथ और वहां उनकी गोलीबारी हुई। एडोल्फो जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने एक फॉलोअर को ऑर्डर दिया कि वो उसे शूट करके मार डाले, तो उसके फॉलोअर ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई और पुलिस वालों ने उसके सारे फॉलोअर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करें, मैं आपको वहाँ पर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ, जिसे मैं जल्द ही रिवील करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।